हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म 16 के बारे में। फॉर्म 16 एक ऐसा फॉर्म जिसके बारे में आपने सुना होगा जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है। मींस मैं बात कर रहा हूं उन एम्प्लॉयज की जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, और सैलरीड एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से ये फॉर्म मिलता है। और ये फॉर्म तब मिलता है जब आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा होती है। ऐसा कि जरूरी नहीं है कि फॉर्म 16 तभी मिले, आपका एम्प्लॉयर चाहे तो आपको फॉर्म 16 तब भी दे सकता है जब आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ या आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है। अब आप सबको ये पता होगा कि सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर सैलरी पर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, मतलब टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब आपकी इनकम 2.5 लाख पर एनम से ज़्यादा है। अब अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपका एम्प्लॉयर आपको ये सर्टिफिकेट इशू करेगा। फॉर्म 16 एक एक्नॉलेजमेंट की तरह है, एक एविडेंस की तरह है कि आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो गवर्नमेंट के पास जमा हो गया है। आपका एम्प्लॉयर ये फॉर्म 16 15 जून से पहले पहले आपको इशू करेगा। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको जर्नल डिटेल्स मिलेगी, लाइक एम्प्लॉयर की डिटेल, उसका टैन नंबर, आपकी डिटेल, आपका पैन नंबर। और इसके अलावा फॉर्म 16 का जो पार्ट बी है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा आपकी इनकम के बारे में, आपकी टैक्स कैलकुलेशन के बारे में, टीडीएस के बारे में जो कि आपका डिडक्ट हुआ है और जमा हुआ है। फॉर्म 16 सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि सैलरीड एम्प्लॉय है, लेकिन उनका क्या जो कि सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है। टीडीएस तो उनका भी डिडक्ट होता है, जैसे कोई रेंट कमा रहा है या कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, तो उसको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या उसको एविडेंस मिलेगा कि उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और वो टीडीएस जमा भी हुआ है गवर्नमेंट के पास। इसके लिए दूसरा फॉर्म है जिसका नाम है फॉर्म 16A। तो फॉर्म 16A इशू होगा उन लोगों को जिनका टीडीएस कटा है या डिडक्ट हुआ है अदर देन इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे एग्जांपल के तौर पर फॉर्म 16 इशू होगा उन लोगों को जिनका कुछ टीडीएस डिडक्ट हुआ है इंटरेस्ट की इनकम पर, और ये फॉर्म 16A आपको इशू किया जाएगा बैंक के द्वारा। इसी तरह कोई इंश्योरेंस कमीशन है, कोई रेंट है या कोई और इनकम है जिस पर आपको टीडीएस मिल रहा है, सैलरी के अलावा आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, वहां पर आपका ये फॉर्म 16A आपको मिलेगा। इस सर्टिफिकेट में भी आप पाएंगे डिटेल्स लाइक आपका नाम, एड्रेस, डिडक्टर, डिडक्टिव डिटेल, पैन, टैन नंबर, चालान ऑफ टीडीएस डिपॉजिटेड, जितनी भी फॉर्म 16A की डिटेल है जो आपको दिखा रही है कि आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ये सारी डिटेल आपके पास अवेलेबल होगी फॉर्म 26AS में। इस फॉर्म 26AS को आप यूज करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्म 26AS आपको बताएगा कि आपका आप कहाँ कहाँ पर कितना कितना टोटल साल भर में फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो ये आप चेक कर सकते हैं फॉर्म 26AS से। फॉर्म 16 इशू किया जाएगा क्वार्टरली, जो कि हेल्प करेगा आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। तो ये जो फॉर्म है 16 और 16A, ये आपको हेल्प करते हैं ये बात पता लगाने में कि आपका कुल साल भर में कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अगर उसके बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में आपको लगता है कि टैक्स बनता है और आपको टैक्स डिपॉजिट कराना होगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका टैक्स टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हुआ है, तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी फॉर्म 16 के बारे में। और ज़्यादा आप अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं टैक्सेशन, अकाउंटिंग और जीएसटी के बारे में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम का ई अकाउंटेंट कोर्स।